दोस्तों कबीर परमात्मा की एक वाणी है, अन्न देव तू अलग दयालम तेरे पढ़ले तोला नलालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति तेरे पढ़ले तोला नमोती। वैरा घर किस काम ना आवे, अन्न देव तू सब मन भावे, वैरा घर है पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी। दोस्तों अन्न की महिमा बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा गाई गई है। अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेद केड़ी शामली के भंडार गृह की ओर और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से भंडारा चल रहा है। दोस्तों अभी हमारी टीम भंडार गृह में आ चुकी है और देखिए यहाँ पर कितने शानदार तरीके से यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर तमाम जो सेवादार हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी सेवाओं करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सभी से कहूंगा जरा पीछे हटे और हमारे दर्शकों को देखने दे की आखिरकार आप लोग क्या क्या परोस रहे हो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। आप देखिए ये जो एक बड़ा सा टब है, आप देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या शानदार बर्फियां रखी गई हैं। यहाँ पर देखिए ये बर्फियों से भरा हुआ टब है और दोबारा देखते हैं दूसरे टब में देखते हैं हम। देखिए दोस्तों वहां पर लड्डू रखे गए हैं। देखिए दोस्तों क्या शानदार लड्डू हैं और बड़े बड़े टबों में भर के रखा गया है यहाँ पर। और ये जो लड्डू हैं वो यहाँ पर हर जगह नजर आ रहे हैं, बाल्टियों में भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जलेबियां हैं, तो तीन तरह की मिठाइयां हैं आपने देखी अभी तक। लड्डू भी है, जलेबियां भी हैं और बर्फी भी है। अब देखिए दोस्तों इसमें बाल्टियों में देखते हैं क्या कुछ है आखिरकार। ये देखिए इसमें तो बर्फी है, ये देखिए इसमें ये बर्फी रखी हुई है, इस दूसरी बाल्टी में भी बर्फी है। फिलहाल ये बाल्टी थोड़ी सी खाली है और इसके बाद हम देखते हैं इसमें चावल हैं। ये देखिए दोस्तों ये देखिए क्या शानदार कढ़ी बनाई गई है। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार कढ़ी है, बहुत ही शानदार कढ़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पकौड़े इसमें रखे हुए हैं, बहुत ही गजब। यहाँ साथ साथ देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं यहाँ पर, काला नमक और ये सफ़ेद नमक और ये मिर्च और ये देखिए प्याज। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और देखिए, ये जो बाल्टी है इसमें कढ़ी रखी हुई है, ये बाल्टी इसमें भी कढ़ी है। यहाँ देखिए बहुत शानदार चीज़ देखने के लिए मिल रही है। देखिए क्या शानदार मिर्च है, क्योंकि कुछ लोग मिर्च खाना पसंद करते हैं। खीरा भी है, वाओ अमेजिंग फैंटेबुलस, दिस इज एक्सट्रीमली फैंटेबुलस। यहाँ देखिए प्याज भी है, मतलब सलाद तो गजब का है भाई। यहाँ पर देखिए एक दाल भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखिए दाल भी है इसमें। तो यहाँ पर फिलहाल दो सब्जियाँ यूज़ हो रही हैं और इसमें देखते हैं क्या है। देखिए इसमें घिया की अलग से सब्जी है, तीन सब्जियाँ यूज चल रही हैं, तीन तरह के सलाद चल रहे हैं और दो तरह का नमक है, तीन तरह की मिठाई है। इसी प्रकार से ये पूरी व्यवस्था है वो चल रही है और नींबू राम भी चल रहा है। ये देखिए दोस्तों नींबू राम की बाल्टी आ गई। देखिए इस प्रकार से नींबू भी परोसा जा रहा है और जो श्रद्धालु हैं बहुत ही ज़्यादा गदगद महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर किसी श्रद्धालु से कि आखिरकार इस सब की व्यवस्था कहाँ से और कैसे हो रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, बड़ा अच्छा नाम है आपका। तो कहाँ से हरिश्चंद्र जी? आगरा से। हाँ जी, आगरा से। हरिश्चंद्र जी बताइए इस पूरे भंडारे की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? ये सच्चा भगवान है सर, सच्चे भगवान का सच्चा मार्ग है ये, तो मालिक ही कर रहे, परमात्मा ही जाने। परमात्मा ही कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं सर? कोई कमी नहीं, मालिक के मार्ग में कोई कमी नहीं। पूजन करने वाले आनंदित महसूस कर रहे हैं? बहुत दबा के सर बोर्डिंग कर रहे हैं। देसी घी में भंडारा चल रहा है परमात्मा का, लड्डू राम जलेबी राम बर्फी राम सारा देसी घी में चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे साथ एक भोजन करने वाले श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं इनसे कि आखिरकार क्या इनसे कोई पैसा लिया जा रहा है या इनको ये भोजन आखिरकार कैसा लगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत्साई भगत जी, विकास दास। क्या नाम है सर आपका? विकास दास। कहाँ से हो सर? यूपी सोनभद्र जिले से। यूपी सोनभद्र जिले से भगत। यूपी से है? एक सेकेंड रुक। कहाँ से हो सर आप? सोनभद्र जिले से भगत जी। सोनभद्र जिले से है। भोजन में क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है आप? भगत जी यहाँ के सभी प्रकार के व्यंजन अच्छे अच्छे हम लोगों को भोजन भंडारा करने के लिए बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है भगत जी। कोई पैसा लिया जा रहा? नहीं भगत जी कोई। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाएं। ये देखिए रोटी भी है, पूड़ी भी है, चावल भी है, लड्डू भी है, बर्फी भी है, घिया की सब्जी भी है। आपने कढ़ी नहीं ली? नहीं भगत जी, अभी भंडारा लेकर आ रहे हैं भगत जी, अभी आए हैं तुरंत। अभी आ रहे हैं, अभी कढ़ी और भी आई जी भगत। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश दास है। कहाँ से हो सर आप? मैं बरेली जी हूँ। ये भोजन आपको कैसा लग रहा है सर? भोजन बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या खाया भोजन में?
भोजन में सभी कुछ है, जलेबी राम है, लड्डू राम है और बर्फी राम है और कढ़ी राम है और काफ़ी सामान है, चावल। कोई पैसा लिया जा रहा आपसे? कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। न सिर्फ पुरुषों की और माताओं बहनों की और भी भंडारा बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी वीआईपी कल्चर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब देखिए समान रूप से सभी माताएं बहनें बैठकर भंडारा कर रही हैं और ये जो प्रांगण है वो काफी बड़ा है। आप देखिए बहुत बड़ा प्रांगण है जहाँ पर हर जगह आपको माताएं बहनें भंडारा करते हुए नजर आएंगी। सभी प्रकार के व्यंजन इनको परोसे जा रहे हैं और हर वर्ग की जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा भंडारा का जो कार्यक्रम है, प्रक्रिया है, वो चलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए दोस्तों तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। जिस तरह से पुरुषों की ओर भंडारा चल रहा है ठीक उसी प्रकार से माताओं बहनों की ओर भंडारा चल रहा है। आप देख सकते हैं बच्चे कुछ मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ये बच्चे अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं और बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है ओवरऑल इस पूरे ही पंडाल का प्रोग्राम का। आप देख सकते हैं जगह जगह पर आपको इस तरीके से भंडारे को इधर से उधर ले जाने वाली ट्रॉलियां मिलेगी। इस प्रकार से माताएं बहनें बैठी हुई हैं और जो पुरुष भाई हैं कुछ यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं भोजन की और देखिए यहाँ पर जो हर एक व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, दुरुस्त है और हर तरीके से यहाँ पर कोई भी हर तरीके से व्यवस्था है, कोई भी असुविधा नहीं है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, समानता है, इक्वलिटी की भावना है, किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच भेदभाव जातिगत चीजें देखने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं बड़े ही प्यार से भंडारा कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक बहन जी है, इनसे आके मिलते हैं। देखिए यहाँ पर एक अलग चीज देखने के लिए मिली हमें, दलिया। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम कविता दासी है। कविता जी, आपने पूड़ी सब्जी कचौड़ी नहीं ली, दलिया की व्यवस्था है भी है यहाँ पर? हाँ जी, सब चीज की व्यवस्था है। आप दलिया क्यों खा रहे हैं? बच्चों के लिए और बीमार के लिए यहाँ पे दलिया बनाया जाता है। बच्चों के लिए दलिया लिया था आपने। आप देख सकते हैं नन्ही परी, ये क्या नाम है इनका? वानी दासी है। वानी दासी, तो इनके लिए यहाँ पर ये दलिया भी लिया गया है। एक्सक्यूज मी, देखिए कैमरे में देखिए, ये है वो नन्ही परी जिनके लिए यहाँ पर दलिया की व्यवस्था भी की गई है। बहुत ही प्यारी परमात्मा की नन्ही परी इस आश्रम में मौजूद है। चलिए जी, तो यहाँ पर दलिया की व्यवस्था भी। दोस्तों जैसा हमें बताया जा रहा था, जिस प्रकार हमें बताया जा रहा था कि यहाँ पर दलिया की व्यवस्था भी है, बिल्कुल यहाँ पर दलिया की व्यवस्था भी देखने के लिए मिल रही है और हर वो व्यवस्था है जो होनी चाहिए। आप देखिए तमाम जो माताएं बहनें हैं वो भी यहाँ पर सेवा करती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए तमाम जो बाल्टियाँ हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा उस साइड में जाएं, इस साइड में जा करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बाल्टियाँ हैं वो रखी गई हैं, ढक के रखी गई हैं, बहुत ही स्वच्छता है और तमाम सेवादार इसी प्रकार सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इसमें कड़ी है, ये देखिए इसमें पूड़ियाँ हैं, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें अलग सब्जी रखी हुई है, ये देखिए, तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ हैं, ये देखिए चावल हैं, यहाँ भी चावल हैं, ये भी चावल देखिए, यहाँ पर कड़ी देखिए, जो कड़ी पुरुषों की ओर थी वो यहाँ पर कड़ी देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल रही है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर दोबारा से वही मिठाई शुरू हो गई, लड्डू, जैसा कि बताया जा रहा है देसी घी के लड्डू हैं, सतलोक आश्रम शामली विदखेड़ी में ये परोसे जा रहे हैं। देखिए बर्फियों के भरे हुए टब रखे, एक बार हटाइए इसको फिर हमारे दर्शकों को देखने दीजिए। ये देखिए क्या शानदार व्यवस्था है, बहुत ही शानदार व्यवस्था। हटाइए बहन जी, ज़रा देखने दीजिए हमारे दर्शकों को कि कितनी खूबसूरत जलेबियाँ दी जा रही हैं सतलोक आश्रम शामली वेद। वाह भाई वाह, किसी के भी मुँह में पानी आ सकता है। माई माउथ इज वॉटरिंग, अमेजिंग। देखिए क्या बड़ी बड़ी जलेबियाँ, शानदार जलेबियाँ हैं यहाँ पर, हरियाणा जैसी जलेबी यहाँ पर, बहुत ही शानदार जलेबियाँ। तो कुल मिलाकर इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं, हमारे तमाम साथी घर भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इसी प्रकार सेवा कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं, तैयार हैं, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। और देखिए कितने शानदार तरीके से यहाँ पर सभी लोग भंडारे का आनंद लेते हुए, यहाँ पर देखिए एक बहन जी हैं, इनसे जाते हैं कि आखिर कारण है ये भंडारा कैसा लग रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सिमरन दासी। क्या नाम है आपका? सिमरन दासी। सिमरन जी बताइए भंडारा कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी के सबसे पहली चीज तो निःशुल्क भंडारा है।
और चाहे कितनी भी अरबी खाओ इसमें स्वाद उतना ही रहेगा। बहुत स्वादिष्ट भंडारा है यहाँ का। भंडारे में क्या क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे कड़ी राम है, लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, फुल्का राम, चावल राम, पूड़ी राम, सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच मैम। सच्चाई। तो दर्शकों आपने देखा हर वो व्यवस्था है यहाँ पर। हम चलते हैं रसोई घर में जहाँ पर ये सामग्री तैयार की जा रही है। आप देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए सर, रुकिए सर। ये देखिए यहाँ पर एक दही की व्यवस्था भी है। क्या शानदार दही है, जरूरतमंदों के लिए जरूरत के हिसाब से हर वो चीज उपलब्ध है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम भगवान दास है। ये दही किसके लिए है सर? जैसे कोई रोगी होता है किसी भी प्रकार का और उसके खाने में अव्यवस्था होती है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दही राम की एवं चाय राम दूध राम की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत गजब चीज है। कैमरामैन नजदीक आगे दिखाइए, दही देखिए क्या शानदार दही है। इसे एकदम फिक्स बहुत बढ़िया शानदार दही बोला जाता है, वही है। यहाँ पर देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं सेवादार हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए दूध की व्यवस्था भी है। बहन जी एक बार जरा इसको हटाइएगा और हमारे दर्शकों को देखने दीजिए, हटाइएगा इस प्लेट को, प्लेट को हटाइए। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार दूध की व्यवस्था भी है यहाँ पर, क्या शानदार दूध की व्यवस्था भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। बहुत ही शानदार दूध की व्यवस्था है। आप देखिए तमाम सेवादार मौजूद हैं। अब हमारी टीम धीमे धीमे इस रसोई की तरफ बढ़ रही है। रसोई में हम देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सेवादार मौजूद हैं जो यहाँ पर भंडारे को बनाने की व्यवस्था देख रहा है। ये देखिए ट्रॉलियों के माध्यम से बर्तनों को इधर से उधर लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। ये देखिए भोजन को पैकिंग की व्यवस्था चल रही है, बहुत ही शानदार व्यवस्था, पूरी तरीके से अमेजिंग। यहाँ पर देखिए सभी लोग, और स्वच्छता का लेवल देखिए, सभी लोग मास्क पहने हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ पर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग मास्क पहने हुए हैं, भोजन की पैकिंग कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था बहुत ही शानदार तरीके से चलती हुई। अब आप देखिए ये जो देखिए किस प्रकार से पूरी व्यवस्था चल रही है, हमारे दर्शकों को दिखाइए किस प्रकार से पूरी व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है। और यहाँ पर पैकिंग की जो चीजें हैं जो चल रही हैं, यहाँ पर भी श्रद्धालु से जानते हैं कि आखिर यार ये पैकिंग व्यवस्था क्यों चल रही है। एक सेवादार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत दास। इधर कैमरे में देख के बोलिए। लक्ष्मीकांत दास जी कहाँ से हो? गाँव छिमारा। ये पैकिंग किसके लिए हो रही है? ये भक्तों के लिए हो रही है। भक्तों के लिए जो यहाँ से जाएंगे? हाँ जी। अगर कोई जगत का व्यक्ति लेना चाहे तो? वो भी ले सकता है। वो भी ले सकता है। भंडारे की पैकिंग की व्यवस्था है, कोई भी ले सकता है, चाहे कोई जगत का हो चाहे भगत हो, एनीबॉडी कैन टेक दिस पैकिंग। अब देखिए दोस्तों प्रॉपर व्यवस्थाओं को देखते ही, अब आते हैं उस स्थान पर जहाँ पर इनके पहाड़ बने हुए हैं। लड्डुओं के पहाड़ हैं, जलेबियों के पहाड़ हैं, आपने देखे होंगे कभी हीरे पन्ने के पहाड़, लेकिन यहाँ पर मिठाइयों के पहाड़ हैं। यह देखिए अब बताइए आप कितनी ज़्यादा संख्या में, कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ये जो मिठाई है वो तैयार की गई है। एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को, दिखाइए कहाँ तक ये फैली हुई है। और इस प्रकार के बहुत सारे पहाड़ बना के तैयार कर दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। ये देखिए दोस्तों, हाँ निकालिए जरा हमारे दर्शकों को देखने दीजिए, ये कितने ज़्यादा संख्या में जो मिठाई है वो तैयार की गई है यहाँ पर। और इसी प्रकार से लगातार इस प्रकार की जो मिठाई है, बेसन की बर्फी बोला जा रहा है इसको, और देख भी सकते हैं कि बेसन की बर्फी तैयार हो चुकी है कितनी ज़्यादा संख्या में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पीछे की ओर जहाँ पर कुछ रसोई घर में कुछ सामग्री तैयार हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिरकार वो सामग्री क्या है और वो क्यों तैयार हो रही है। और सेवादार हैं वो तमाम सेवादार जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और सेवा यहाँ पर संचालित रूप से सुचारू रूप से चलती नजर आ रही है। आप देखिए तमाम सेवादार हैं जो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पूरी मिठाई चलती हुई देखिए। वाह भाई वाह। जय हो जय हो जय हो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भाई ऐसे संत, ऐसे संत जो इतनी बढ़िया गरम गरम जलेबियाँ खिला रहे हैं, ओहो कमाल कर दिया, ओहो कमाल कर रखा संत रामपाल जी महाराज जी ने। भाई जलवे तो संत रामपाल जी महाराज के हैं, अमेजिंग। देखिए दोस्तों क्या शानदार जलेबियाँ, देखिए दोस्तों आपको जलेबियों को बनता हुआ दिखा रहे हैं। देखिए क्या शानदार ढंग से ये जलेबियाँ बनाई जा रही हैं, इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। क्या शानदार ढंग से ये जलेबियाँ बनाई जा रही है, देखिए वाह भाई वाह। चार जलेबियाँ हैं, बहुत ही शानदार, और पूरी प्रक्रिया बहुत शानदार तरीके से चलती हुई। देखो आप देखिए यहाँ पर ये बूंदी है, बूंदी तैयार की जा रही है।
ये देखिए ये बूंदी तैयार की जा रही है और सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं। ये देखिए बूंदी इधर किस प्रकार तैयार हो रही है। एक बार सर हमें इस साइड जाने दीजिए। ये देखिए अरे दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और चीज देखने के लिए नजर आ रही है। यहाँ पर ये देखिए पूड़ियाँ भी बन रही हैं। यहाँ पर देखिए ये देखिए दोस्तों किस प्रकार जब बूंदी बनती है तो किस प्रकार का नज़ारा होता है। ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। बहुत ही शानदार बहुत ही अमेजिंग उम्दा काम। ये देखिए